सो गाइस देखिए, ये है हमारे इंडिया का टैलेंट। भाई साहब, आमतौर पे आम लोग जो है वो मोटे मोटे पाइप पे या दीवारों पे चलने पे भी उनका हवा टाइट हो जाता है, बट इस लड़की को देखिए, एक छोटी सी पतली सी रस्सी है जो एक एक से दूसरे सिरे पे बांधा हुआ है। उसके बाद ये लड़की थोड़ी सी बैलेंस, पता ना क्या बैलेंस बनेगा यार उस बांस से, हवा ऐसी ख़राब हो जाता है। और बिना कुछ किए देखिए, यहाँ पे एक पाँव उठाती है ये और फिर आगे धीरे धीरे बढ़ती है। भाई जब क्या बताए, सोच के ना रुका भी जाती है इंसान को देखिए। और तो और यहाँ इतना तेज़ी से हिला रही है जिसका हद हिसाब नहीं है। उसके बाद भाई एक पाँव पे खड़ी हो जाती है ये, देखिए ऐसे कौन बचेगा यार, फेंका जाएगा अलग। हम लोग ऐसे करे तो सला सीधा फेंका के पता ना कहाँ जाएंगे, कोई भरोसा नहीं। हाथ पाँव टूटेगा सो अलग। और इस लड़की को देखिए, चल सिर्फ चल ही नहीं रही है, वहाँ वहाँ लेफ्ट राइट करके वो भी तेज़ी से पूरी ताकत से करके दिखा रही है, जैसे झूला पे हम लोग झूलते हैं, और फिर एक एक पाँव करके बैलेंस बना के अपनी आगे की ओर बढ़ रही है। और तो भाई सीधा जा रही है ना ये, फिर बैक में उल्टा उल्टे पाँव ही आ जाती है। जाना तो दूर की बात है, सीधा चलो देख के चल रहा होगा, लेकिन अब बताइए ये बैक में उसी तरह से आ रही जैसे चल के गई थी। और फिर आने के बाद बैक में भी जिस तरह से झूला झूलती है लड़की, क्या बताए। आप सब बताना कि आप लोगों ने पहले ऐसा देखा था कभी सर्कस? ये भाई इंडिया का खूबी है, हमारे इंडिया के लोग है। देखिए सलामी दे रही है एक पाँव उठा कर। सो गाइस, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको ये वीडियो। देखिए भाई अद्भुत, अविश्वसनीय, अजीब सा यार। अब देखिए, अब उसमें देखा आप लोगों ने खाली पैर चले थे, बट इसमें ये लड़की चप्पल पहन के चल रही है, ठीक है, और ऊपर दो मटके रखी हुई है, फिर बैलेंस बना के चल रही है। चलो आप एक मिनट के लिए कहोगे अंगूठा से दबा के चल रही है, अब तो भाई कोई अंगूठा नहीं है ना इसमें, खाली चप्पल। देखो प्लास्टिक वाली जो चप्पल आती है उसे पेन करे चले चला चप्पल, तो ऐसे चलोगे आप रोड पे तो इधर उधर पिछलता है, पिछल जाता है, बंदा गिर जाता है। और ये इस पर यार क्या बताए, क्या मैजिक है समझ नहीं आ रहा है भाई। मैजिक वैजिक नहीं है, बस इसमें सामने सबकी जो भी हो रहा था सामने हो रहा था, लड़की चप्पल पहन के चले। देखो अब ये चप्पल वाला ख़त्म हुआ सिस्टम, तो अभी लड़की थाली पे चलेगी। सिर्फ थाली पे नहीं बल्कि ठेहुने के ऊपर थाली रख के चलती है, रिंग पे चलती है, कई सारे तरीके से चलती है। ये देखिए थाली से बैलेंस बना रही है, एक पाँव पे खड़ी है और इस थाली को खुद पाँव से ही आगे की ओर करेगी। गजब भाई, ले लीजिए सारा इधर उधर थोड़ा सा ही होगा तो कैसे चल रही है भाई, गजब है ये तो। देख देखने वाले सारे आँख निकाल निकाल के अपने देख रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है, सब सुन पड़ा हुआ है कि भाई ये क्या करे। लड़की के चेहरे पे स्माइल है भाई, कोई इससे इससे कोई तकलीफ ही नहीं, लेकिन हम सब वहाँ खड़े थे तो रूंगा खड़ा हो जा रहा था भाई, रूंग कांप जा रही थी इसकी वजह से। दस बारह फीट ऊपर लड़की है, ऊपर से करतब दिखा रही है, अपनी टैलेंट है यार। अच्छा है भाई, उसके भीख तो नहीं मांग रही ना, अपनी करतब दिखा रही है, उससे कमा के खड़ी देगी इसके। पाँव से भाई, पाँव में इसके उस साइज का है कि इसके पाँव में जो है ना चपक जा रहा है, ठीक है, साइज अब लीजिए। तो थाली वाली ख़त्म की, अभी रिंग पे चल के लड़की दिखा रही है आप सबको। भाई यार इतनी मेहनत कर रही है लड़की, तो एक वीडियो को यार लाइक जरूर कीजिएगा आप लोग, और कमेंट करके हमें बताइए कैसा लगा। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए यार प्लीज, ले लीजिए भाई। ये साइकिल वाली रिम होती है, वही पतली वाली रिम है, उस पर बैलेंस बनाकर चलना नामुमकिन है, मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। इसी के बीच बारिश होने लगी थी, थोड़ा खेल और आगे जाता, बट यहाँ पर बारिश हो गई थी सिर। फिर बैक में जा रही है भाई, बारिश हो रही है, फिर भी लड़की मारने को तैयार नहीं, और भी अपना कर्तव्य जो भी इसका टैलेंट है वो सब पब्लिक का मनोरंजन के लिए ये दिखा रही है। अब लीजिए उसी थाली पे अब ये क्या कर रही है, पाँव तो पाँव अपने ठेहुने दोनों मोड़ कर और फिर चल रही है। ये कौन सा बैलेंस है भाई, अंगूठे के उसमें फंसा फंसा कर रस्सी को आगे सरक रही है
जो ठेवने होती है उस थाली उसके अंदर है, फिर चल रही है लड़की। इसके चेहरे पे स्माइल, ऐसे तो चला जाएगा नहीं भाई, नीचे जमीन पे थाली पे पाँव रख रहे घुसू घुसू कर। बट ये लड़की करके दिखा रही है, वो भी पतली सी रस्सी के ऊपर, अद्भुत है, विश्वनीय है। सब प्रैक्टिस का कमाल है भाई, रिहर्सल का कमाल है, रोज इसको करना पड़ता होगा, रोज करती है सब दिखाने के लिए करते हैं लोग। रिक्स है यार ये सब भाई, आप लोग ऐसा मत करना, ये सब जैसे बहुत ज़्यादा रिहर्सल और प्रैक्टिस की वजह से होती है, तो ये सब सही नहीं रहेगा। लीजिए यार इसको थोड़ा देखना पड़ेगा भाई, लास्ट में कैसे उठती है, थाली पे तो है तो उठती कैसे है, या तो लास्ट तक जाएगी पकड़ेगी या फिर हाँ पकड़ के उठेगी, क्योंकि यार